जयपुर के अमरसर थाना इलाके में 18 मई को ही सरपंच ओम प्रकाश सैनी की हत्या जमीनी विवाद को लेकर की गई। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए इस वारदात का पर्दाफाश किया है। साथ ही हत्याकांड को अंजाम देने वाले चार शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने जमीन का पट्टा लेने के विवाद में वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस संतु मीणा समेत तीन आरोपियों की तलाश में जुटी है। इसी बीच हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने की जयपुर आईजी एस सिंगाथिर से खास बातचीत। अमरसर थाना इलाके में एक सरपंच की हत्या की गई थी। चार बदमाशों ने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। करीब 250 पुलिसकर्मियों की मदद से पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। किस तरह पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, इसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर है आईजी हैं जयपुर के एस सिंगाथिर साहब, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बड़ा चैलेंजिंग था इस पूरे केस को सुलझाना और लगातार नाम सामने आए, इसके बाद 23 नाम आए, फिर पूरे जिले की टीम को लगा दिया गया। किस तरह पूरी कामयाबी मिली, क्या था पूरा मामला? इसमें केस बहुत संगीन केस था, जो आपको मालूम है, बहुत सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, एक नेता का मर्डर होना, वो भी फायरिंग से, दिन दाड़े गांव में सबके सामने होना बहुत गंभीर बात थी। साथ साथ इसमें चैलेंज ये रहा कि सरपंच का काम ऐसा होता है कि उससे बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, फैमिली की तरफ से, बाई की तरफ से जो FIR दर्ज हुई उसमें कम से कम 23 लोगों के ऊपर डाउट व्यक्त किया गया। ये हमारे लिए एक इमीडिएट चैलेंज की बात है। साथ साथ इसमें ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स का रोल सामने आ रहा था, एक ठीक ठाक नेटवर्क वाला गैंग इसमें शामिल था। ये दोनों बात हमारे लिए समस्या के रूप में सामने आए थे। साथ आजकल कोई भी क्रिमिनल इंटरनेट कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग से ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं और इनका लोकेशन ट्रेस करने में जो रहता है, नॉर्मल वॉइस कॉल इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाई चांस वॉइस कॉल का इस्तेमाल करें तो हम लोकेशन का पता चलता है, वो नहीं कर रहे हैं। ये तीनों बात की वजह से थोड़ा इनिशियल लेवल पर समस्या आई थी। फिर SP साहब शंकर जी के नेतृत्व में जिले जयपुर ग्रामीण जो भी ऑफिसर हैं, ठीक ठाक ऑफिसर, काम करने वाला ऑफिसर, हरेक को चिन्हित कर आइडेंटिफिकेशन, पूरा जिला फोर्स इसमें अपना पूरा मेहनत के साथ इसमें लगा था। साथ साथ कुछ एक चुनिंदा ऑफिसर्स सीकर जिले से, झुंझुनू जिले से भी एक आधा लोगों को लगाया था। सभी ने मिलकर एक टीम वर्क का एक लेसन देते हुए, टीम वर्क डिमॉन्स्ट्रेट करके इन्होंने मेहनत करके गैंग के बारे में खुलासा किया और साथ साथ अभी तक चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कौन है सर ये चार लोग और क्या मुख्य वजह थी हत्या करने की? मुख्य रूप से संतलाल मीना और गुलशन करके दो आदमी का लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे सरपंच से कुछ एक बात तो बनबन चल रही थी, कोई जमीन का मामला बताते हैं, एक पट्टा रिलेटेड बातें हैं और भी कुछ लोकल राजनीति से जुड़े छोटे मोटे बातें, इनकी डायरेक्ट व्यक्तिगत दुश्मनी थी। ये अलग अलग टाइम में पिछले 7-8 महीने से 2-3 घटनाएं ऐसे हुई थी, इससे संत मीना और गुलशन दोनों का नाराजगी सरपंच से था। बदला लेने के साथ उन्होंने तैयारी करी, कई बार इन्होंने प्लान बनाया और रेकी करी और लास्ट में 18 मई को उन्होंने वारदात का अंजाम दिया। सर, वारदात करने के बाद कहाँ ये फरार हो गए थे और पुलिस ने इनको पकड़ा है चारों को, ये कैसे पता चला कि इस हत्या की वारदात के पीछे ये मुख्य वजह सामने आई थी? मेनली जो पहले से जैसा आप लोग बताया ना, FIR में फैमिली की तरफ से 23 लोगों के ऊपर डाउट था और लोकल पे थाना स्तर पे कुछ एक बातें थी और स्पेशल टीम जैसा 250 का फोर्स लग रहा, अलग अलग ऑफिसर लगे थे, उन्होंने एक एक करके बहुत सारे बातों के बारे में पता किया। इसी बात प्रमुख रूप से संतलाल मीना, हिमांशु जांगिर वगैरह का गैंग के बारे में मालूम जो बात आई थी, इसलिए उनके पीछे आदमी लगाया, फिर पूरा मालूम पड़ा। कितने मुकदमे सर इनके खिलाफ हत्या के, पहली बार इन्होंने ये घटना को अंजाम नहीं दिया, वेपन्स लेके आए, कहाँ से वेपन्स लेके आए और ऐसी कितनी वारदातों को अब तक अंजाम दे चुके हैं? बेसिकली हिमांशु के खिलाफ कम से कम 14 मुकदमे दर्ज है, अभी भी कम से कम पाँच मुकदमे वो वांटेड चल रहा था। मकराना में एक मर्डर है, अभी अमरसर वाले मर्डर में वो वांटेड हो गया और इसके अलावा जयपुर सिटी में कम से कम 3 वारदातें, 307 हत्या के प्रयास वाला वारदात में वांटेड था, तो कम से कम 14 मुकदमे इसके खिलाफ चल रहे थे। हिमांशु के बाकी लोगों के खिलाफ भी 5-6-7 मुकदमे करके अलग अलग तरीके से वांटेड है। हथियारों का सर क्या? हथियार के बारे में मालूमत करें, अभी तो हथियार बरामद करने की कोशिश की जा रही है, जो मर्डर फॉर जो वेपन मर्डर करने के इस्तेमाल हुआ था, उसके अलावा ये कहाँ से आया, किससे खरीदा, ये सारी चीज़ धीरे धीरे मालूमत करेंगे।
तो बिल्कुल, ये थे आईजी एस संगाती साहब जो बता रहे थे कि इस हत्या की वारदात को पिछले 8 महीने से अंजाम देने की फिराक में चारों बदमाश घूम रहे थे। कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह यही थी कि जो सरपंच था वो इनके इलीगल कामों को नहीं कर रहा था, इसके चलते इन सभी लोग इनकी जो बदमाशों की जो दुश्मनी थी, जो रंजिश थी, इस सरपंच से हो गई थी और उन्होंने 4 बार इस हत्या की वारदात को अंजाम देने का यहाँ पर कोशिश की और आखिरकार 5वीं बार में ये कामयाब है और उन्होंने 18 तारीख को इस पूरी वारदात को अंजाम देकर के यहाँ से फरार हो गए। मगर यहाँ पर काबिले तारीफ है जयपुर ग्रामीण पुलिस की पूरी टीम की यहाँ पर तारीफ की जाएगी क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम समय में इन पूरे बदमाशों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले का यहाँ पर पर्दाफाश किया। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ यादविंद्र शर्मा, एवन टीवी न्यूज जयपुर।